हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ अफशा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू अंडे का सालन, जो टेस्ट में इतना लाजवाब है कि क्या ही कहने। थोड़ा ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो इस मौसम में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और फ़ायदा भी करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें आलू चाहिए। ये चार आलू हैं जिसे हमने लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। ये तीन उबले हुए अंडे हैं। आप अंडे और आलू अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। ये हाफ टेबल स्पून जीरा है, दो दालचीनी के पीस है। ये हाफ टेबल स्पून नमक है, हाफ टेबल स्पून हल्दी है, टू टेबल स्पून धनिया पाउडर है, हाफ टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च है। ये एक कटी हुई हरी मिर्च है, टू टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, दो मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट है जिसे हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ये दो मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट है, इसे भी हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम चलते हैं पकाने की तरफ। तो एक भगोने में हमने 150 ग्राम सरसों का ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जब ऑयल गर्म हो गया तो ये अंडे हम फ्राई कर लेंगे। तो अंडे हमें हल्के से ही फ्राई करने हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं करने, बस हल्के हल्के गोल्डन हो जाएं। तो देखिए ये हल्के से गोल्डन हो गए हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए बचे हुए ऑयल में ही हम जीरा और दालचीनी के पीस ऐड कर देंगे और हल्का सा सॉटे कर लेंगे। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, साथ में ही टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये है धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और नमक जो आपको मैंने शुरू में दिखाया था। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को मिक्स कर लिया है। इस तरह मसाला तैयार करने से मसाला फूल जाता है और जलता भी नहीं है। मसालों को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसे भूनेंगे। तो देखिए मसाला यहाँ अच्छे से भुन चुका है। मसाला कितना फूला फूला और दानेदार तैयार हुआ है। इस स्टेज पे आलू ऐड कर देंगे। इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर आलू में आ जाए। तो आलू गलाने के लिए इसमें एक कप बराबर पानी ऐड करेंगे। इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पे जब तक पकाएंगे जब तक ये आलू गल ना जाए। तो देखिए इसे पकते पकते 20 से 25 मिनट हो गए हैं और बीच में हमने एक बार चला दिया था। तो इसे हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और आलू चेक कर लेंगे। तो आलू हमारा 100% कुक हो गया है। तो इस स्टेज पे पानी ऐड कर देंगे। तो पानी उतना ही ऐड करना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। चलाते हुए मिक्स कर देंगे और इस स्टेज पे अंडे ऐड कर देंगे और इसमें एक उबाल ले लेंगे और हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। साथ में ही कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो इसमें एक उबाल आ गया है तो गैस ऑफ कर देंगे। तो हमारे आलू अंडे का सालन बनके तैयार है और ये टेस्ट में इतना लाजवाब बनता है कि आप खाते रह जाओगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। तो अब हम डिश आउट कर लेंगे और ऊपर से डाल देंगे जीरा पाउडर जो इसका स्वाद दोगुना बढ़ा देगा। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।